लंच टाइम में बैठे थे पेड़ के नीचे, तो एकदम से पेड़ फट के गिरा बच्चों के ऊपर, तो काफ़ी बच्चे इंजर्ड हुए हैं। दो की तो कह रहे हैं शायद डेथ हो गई है। एक आंटी थी, कारमल कॉन्वेंट स्कूल, मेरी बेटी पढ़ती है वहाँ पे। हाँ जी, वो है LKG में। तो आप अगर जाके देखते हो क्या हालात लग रहे हैं बच्चों? अभी तो बच्चे ठीक है वैसे, बाकी उनका चेकअप वगैरह कर रहे हैं, शुगर वगैरह टेस्ट कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ बच्चे क्या कर रहे थे? वो लंच कर रहे थे बच्चे, खाना स्टार्ट ही किया था वैसे ही पेड़ गिर गया एकदम से। काफ़ी पुराना था। अक्सर वहाँ बच्चे लंच वहीं पे बच्चे बैठते हो कि वहाँ छाए आती है ना काफ़ी, बहुत बड़ा पेड़ है वो, वहीं पे बैठ गए। ठीक है, अभी तो बच्चे दो, अभी अंदर है 8-10 बच्चे हैं, कई बच्चे PGI रेफर किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एंथनी है। आप यहाँ पे आए, क्या पता लगा कि बच्चों के स्कूल में हादसा हुआ? क्या हादसा हुआ है? सर मैं अपने ऑफिस में जॉब पे था, तो वहाँ पे मेरे को कॉल आया मेरी वाइफ का कि जल्दी आ जाइए, तो मैं हाफ डे लेके वहाँ से आया, तो पता लगा कि पेड़ गिरा है, बच्चे के सर पे थोड़ी चोट आई, उसका सिटी स्कैन वगैरह हुआ है, बहुत ही गंभीर हालत है। देख के मतलब एकदम होश उड़ गया, मतलब कुछ बच्चों की सुना है कि मिस हैपनिंग भी हुई, एक बच्चे की और एक लेडी अटेंडेंट की, बहुत बड़ी कैसी। मेरी बेटी 9th क्लास में है, अभी वो ऐसे आउट ऑफ डेंजर है, सर पे थोड़ी चोट आई, सिटी स्कैन वगैरह हुआ था तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बचाव हो गया उसका। आप अंदर देखने गए थे, उसके साथ लगा कुछ और बच्चे, कितने के बच्चे थे वहाँ पे? अंदर उन टोटल मेरे ख्याल से 12 बच्चे हैं, तो मतलब कुछ बच्चे हैं जिनके ज़्यादा चोट आई, एक के सर पे और एक का मतलब यहाँ पे चिन के ऊपर ना काफ़ी डीप कट लगा हुआ है, मतलब अभी हाँ अंदर जो बच्चे हैं वो खतरे से बाहर ही हैं ऑलमोस्ट में, मतलब मेरी बेटी तो मतलब हाँ ये लंच ब्रेक थी, तो लंच ब्रेक में वहाँ पे पेड़ के नीचे हमेशा ही रोज़ ही बैठते पेड़ के नीचे, तो लंच ब्रेक में वहाँ बैठे हुए थे और अचानक से पेड़ के गिरने की जैसे आवाज़ आई कड़कड़ की, तो ये भागने लगे, पर इन्हें भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि पेड़ बहुत पुराना और काफ़ी बड़ा है। कामल कॉन्वेंट स्कूल में एक पेड़ गिर गया जिसके अंदर जिसके वजह से काफ़ी कामल कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स को इंजरी आई है, तो फिलहाल यहाँ 11 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, उसमें से एक सीधा PGI गई थी एंड अभी दो अभी PGI में हैं, PGI वाली अभी सब अंडर क्रिटिकल। मैंने एक की बताने की डेथ हो गई है। हाँ जी, एक PGI वाली अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ। जो अभी मैं 16 में देख कर आई हूँ सब स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। तो इनके अलावा भी और भी बच्चे थे जैसे ये 13 बच्चे थे? यही बच्चे हैं।